बेली बैठी हुई है, देखो क्या कर रही है ये। कोई काम नहीं है इसको, कभी गुल्लक ठीक करने लग जाती है, कभी कुछ मतलब बेली बैठ नहीं जाता है इससे। देख लो सारे पेंट खराब कर रही है बच्चों के हमारे। बच्चों को मैं गिफ्ट दे दूंगी और पेंट। तो अभी मैंने अपना गुल्लक को कलर कर दिया जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सारे, मैं अब निखिल को पूछती हूँ कैसा लग रहा है। निखिल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस। कितने का देना? 10,000। रहने दो, लीजिए। अगर आप लोगों को लेना है ये, मैं आप लोगों को ठीक ठीक रेट लगा दूंगी, तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और मैं आपको दे दूंगी। अभी हम दोनों वीडियोस बना रहे हैं, निखिल कैमरा सेट कर रहा है और मैं यहाँ पे फ्रेम बना रही हूँ। आज मैं और निखिल छोले भटूरे बना रहे हैं, निखिल छोले बनाएगा और मैं भटूरे बनाऊंगी। तो फिर शूट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम छोले भटूरे कैसे बनाएंगे। बाय बाय। तो कहने शाम के 4 बजे वीडियो बना के तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार हो चुका है। रीचू ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी इस बार, तो 1 घंटा पहले वो मेरे से लड़ी है। हेलो, मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ, ठीक है? आपसे अच्छी करती हूँ। 1 घंटा ये पहले मेरे से लड़ी, फालतू में कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जाके ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई, कहती सेम सेम डालना है, मैंने मना कर दिया था, बट लेकिन फिर भी इसने मना के सेम टू सेम डाल लिए कपड़े। अभी अपने लिए बनाने वाली है छोले भटूरे। वाह, अच्छा मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ कि तूने बोला था खाने के लिए? तो छोले भटूरे फाइनली हम दोनों ही खाएंगे। अगर किसी और को भी खाना है तो वो कमेंट कर सकता है खाने के लिए। तभी हम जा रहे हैं छोले छोले भटूरे भटूरे बनाने बनाने के लिए। पहले तो निखिल तो अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैं आ गई। मैं अभी आटा देख रही हूँ जो कि मैंने दिन को ही गूंद के रख दिया था, तो अभी आटा चेक करते हैं कि अभी हो गया कि नहीं हो गया। आटा तो अच्छे से सीज गया है, बहुत अच्छे से सीझा है आटा और बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब मजा आ जाएगा। टमाटर ग्राइंड करके रख दिए थे और प्याज भी ग्राइंड करके रख दिया था, ग्राइंड हो गया है, पानी भी निकल गया क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको ग्राइंड करके रखा हुआ, क्योंकि वीडियो भी जरूरी थी। तो अभी ये मेरे से लड़ रहा है, तड़का मैं लगाऊंगी, पर मैं बोल रही हूँ मैं लगाऊंगी। ये हमेशा ऐसे ही करता है। अरे ये तड़का लगाती है बेकार, ना नमक होता है ना मिर्च होती है, मैं तड़का लगा रहा हूँ बढ़िया वाला। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे लड़ते हैं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है तड़का लगाने में। हमेशा खुद ही मैं बनाऊंगा। देखो अभी मैंने तेल डाल दिया इसमें, चने हो गए हमारे और मैंने भटूरों के लिए भी तेल डाल दिया है। इसने सारा तड़का जला लिया, ये बनाएगा चने। देखो पूरी पूरी गैस फुल की थी, अभी मैंने बंद की, पूरा तड़का जला दिया, ये बनेगा सेफ। को तो मैंने बोला नहीं बनाने के लिए, जिस हिसाब से तू कर रहा है ऐसे खाना बनाने में, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इसको। ऐसे आते हैं पागलों की तरह, मेरे टाइम में आते हैं, बाकी घर वाले बोलते हैं इसको खाना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्या क्या मसाले डाल रहे हैं फालतू में, हर कुछ बनाए, इसके सिर पे फोड़ूंगी मैं अगर गलत बनेगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ अपना भटूरा तेल में, पहुंच जाएगी तब लड़ती है, जूते खोलते हुए लड़ती है, बाथरूम जाती है तब लड़ती है। ये बना रही है भटूरे, भटूरे देख लो इसके कितने बड़े हैं, इससे बढ़िया तो पूरी बन जाती है हमारे घर में। भटूरे वो भटूरे होते हैं जो मार्केट वाले, जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, वो भटूरे होते हैं। इसकी शक्ल देखो जैसे ये सारा दिन गुस्से में रहती है, पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसकी माँ ने इसको। निखिल के चने भी तैयार हो गए हैं, अब मैं बना रही हूँ रायता। रायता में मैं प्याज और खीरे का बना रही हूँ, सिंपल रायता। अभी ये बना रही है रायता, पता नहीं क्या क्या डाल रही है उसमें, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाल रही है। देखो मैं सिंपल रायता बना रही हूँ, ठीक है? मेरे को जितना सिंपल रायता होता है उतना ही टेस्टी होता है। सिंपल रायता तो बूंदी का नहीं बनता, देखो लाल मिर्च डाल दी। अभी ये कह रही है मुझे इसमें डालना है हल्दी, ये देखो हल्दी नीचे गिरा रखी है। हल्दी कौन डालते रहते हैं? तुम तो डालते, उस दिन तो तुम कह रही थी मैं डालती हूँ। ये ना पागल बना रहा है, क्या क्या डाली जा रही है, ये हो गई है पागल। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना हल्दी डालेगी, डालेगी हल्दी, ये डालेगी नून स्वाद अनुसार, ये देखो 5 चम्मच खाना बनाएगी। ये देखो पूरियां, भटूरे, और एक ये कढ़ाई में अब तक निकाला नहीं है, देख लो रायता मेरा तैयार है बनके। थोड़ा सा सलाद काट रही हूँ क्योंकि
छोले भटूरों के साथ सलाद बहुत अच्छा लगता है। जब रायता बन गया है तो सलाद की क्या जरूरत है यार, कौन समझाए इसको। मैं खाऊंगी। 50 रुपए किलो खीरा लेके आया हूँ मैं, 50 रुपए किलो, 2 दिन में मुक, 1 दिन आधे घंटे में खत्म है ये। खाने के लिए लाए हैं। खाने के लिए लाए हैं तो खाने के लिए लाए हैं तो अभी खा लें सारा। तो हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, कोई कोई बचाओ मुझे इस लड़की से। अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से। डे 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 यहां पे डांसर है, फालतू में सामान रख बाहर, बाय बाय। जो सर्व कर दिया है यहाँ पे, पर ये देखने में तो वैसे टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, शॉप जैसे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है मट्ठी खा रहा हूँ मैं, बट लेकिन अभी खा के बताता हूँ कैसा है। चने, वाह, नाइस, मतलब टेस्ट बढ़िया आ रहा है यार इस, ये अलग से क्रंची क्रंची से मजा आ रहा है, और ये तो वाओ। तो यार टेढ़े मेढ़ी शक्ल पे मत जाओ, टेस्टी है, मुझे तो बहुत टेस्टी। तो निखिल तो बोल रहा है बहुत टेस्टी लगे हैं, अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे बने। बहुत अच्छे बने हैं, ऐसे डांट रही थी मैं इसको चने के लिए, चने भी बहुत अच्छे बने हैं। तो वैसे तो ये जो आटा था ये तो सिड्डू जैसे, सिड्डू नहीं होते उस टाइप का बन गया था ये आटा। तो हम किसी और दिन सिड्डू बनाएंगे, ठीक है, किसी और दिन हम लोग सिड्डू बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सिड्डू क्या होता है। सिड्डू हिमाचली डिश होती है, कुल्लू में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तो मैं एक दिन सिड्डू बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि सिड्डू कैसे बनते हैं। तो तब तक के लिए बाय टाटा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना यार। और जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, देखो मैंने कहा था ना सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना यार। ओके बाय, अब मिलते हैं हम आपको कल।